के बारे में मालूम है। हाँ का तो मतलब उसको देखते किसने वो मैं आपको बताऊं। वो बाहर बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी, इनमें फर्क करना मुश्किल है, लेकिन कुछ अलामत की बिना पर आप इन्हें आसानी से फर्क कर सकते हैं। बैक्टीरिया बुखार सिम्टम किसी एक हिस्से तक महदूद होता है, जैसा कि कान में दर्द या गले में दर्द बुखार के साथ होता है। इस किस्म के बुखार को हम बैक्टीरियल कहते हैं, जबकि वायरल बुखार पूरे जिसम पर बुरे असर मरतब करता है। शदीद सर में दर्द, कहना, डायरिया, जुकाम, छींकने और पलकों में शदीद दर्द। वजूहत, बैक्टीरियल बुखार जैसा कि मैंने पहले बताया, बैक्टीरियल बुखार किसी इंफेक्शन की वजह से होता है, जबकि वायरल बुखार छींकने, खांसने, दिमाग शख्स का पानी पीने या खून साफा करने से भी फैलता है। यह बुखार बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों में आम होता है, क्योंकि उनमें कुवत मुदाफियत कम होती है। इलाज, बैक्टीरियल बुखार के लिए तो मुख्य तरह के एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती है, जिससे वह ठीक भी हो जाता है। इनमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मीडियम स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शामिल हैं। बेहतर है कि अपने डॉक्टर से रजू करें और उसके मशवरे के मुताबिक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। अगर बुखार वायरल है, इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप मुकम्मल रेस्ट करें या फिर गर्मा गर्म खिचड़ी या सूप पिएं। कुछ लोग घर में ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नुकसानदेह है। इससे ना सिर्फ मेदे की तेजाब भी बढ़ती है, बल्कि गुर्दों पर भी बुरे असर मरतब होते हैं। अगर किसी में ज्यादा दर्द हो तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। एहतियात है, बैक्टीरियल बुखार के इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने जख्म को साफ सुथरा रखें, उसे गर्म पानी से धोएं, उस पर कोई मरहम लगाएं और बैंडेज कर दें। अपने हाथ बाकायदगी से धोएं। वायरल बुखार ज्यादा खुटियों वाली जगहों पर मत जाए। अपने नाक और मुंह को बगैर हाथ धोए मत छुए। शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में मेरा इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।